नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम डिस्कस करेंगे होल और सॉफ्ट बेसिस सिस्टम के बारे में। होल और सॉफ्ट बेसिस सिस्टम क्या होता है और इसके थ्रू हम फिट्स जो हैं वो कैसे बना सकते हैं। तो फिट्स हैं हमने पहले डिस्कस किए थे, जो कि हमारे होते हैं तीन तरह के होते हैं। मेनली जो हमने डिस्कस किए थे, क्लियरेंस फिट था, ट्रांजिशन फिट था और इंटरफेरेंस फिट था। आज हम डिस्कस करेंगे कि उन फिट्स को हम होल बेसिस सिस्टम और सॉफ्ट बेसिस सिस्टम के थ्रू कैसे बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे दो फिगर ड्रा की हैं, एक तो होल बेसिस सिस्टम की है और दूसरी सॉफ्ट बेसिस सिस्टम की है। तो देखते हैं इनके अंदर क्या अंतर है और हम इनको कैसे अलग अलग से डिफाइन कर सकते हैं। तो इनको जो ये नाम दिया गया है, होल बेसिस सिस्टम और सॉफ्ट बेसिस सिस्टम, इसके अंदर देखिए जो होल बेसिस सिस्टम है, इसका मतलब है कि जो होल का साइज है वो वेरी नहीं करेगा, उसका जो साइज है वो बेसिक साइज होगा, लेकिन इसके अंदर सॉफ्ट का साइज वेरी करेगा। तो अगर हमें होल और सॉफ्ट के बीच में कोई भी फिट बनाना है तो हमें होल का साइज सेम रखना है और जो सॉफ्ट का साइज है वो वेरी करना है। तो यहाँ पे ये जो हमने ब्लैक के अंदर दिखाया है, ये हमारी है जीरो लाइन, ये जीरो लाइन है और ये अपर डेविएशन दिखाई गई है जो होल की है जीरो लाइन से, यानी कि बेसिक साइज से अपर डेविएशन है, लेकिन जो लोअर डेविएशन है वो जीरो है। तो लोअर डेविएशन जीरो है और अपर डेविएशन कुछ है। और ये जो है, ये शाफ्ट का जो रेड कलर में दिखाया गया है, ये शाफ्ट का टॉलरेंस जोन है। तो अगर हम शाफ्ट के साइज को वेरी करेंगे तो हमें अलग अलग तरह के फिट मिलेंगे। तो मान लीजिए अगर हम ये शाफ्ट का साइज चूज करते हैं तो इन दोनों के बीच में गैप है, तो इसका मतलब है हमें क्लियरेंस फिट मिलेगा, इन दोनों के बीच में गैप होगा। अगर शाफ्ट का जो हम साइज थोड़ा और बड़ा करते हैं, जो इसका टॉलरेंस जोन है, मान लीजिए इसके टॉलरेंस जोन से इंटरफेयर करता है इसके बीच में, इसके साथ आता है, तो यहाँ पे हमें मिलता है ट्रांजिशन फिट। और अगर इसका टॉलरेंस जोन है या सॉफ्ट का साइज हम कहें इससे भी ऊपर चला जाता है, यहाँ पे आ जाता है, तो इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस फिट। क्योंकि जो सॉफ्ट का साइज है, जब इसके साइज से ऊपर चला जाएगा, जो होल का टॉलरेंस जोन है उससे ऊपर चला जाएगा, तो हमें वो काफी प्रेस के साथ, यानी कि प्रेशर के साथ उसको फिट करना पड़ेगा। हमें हाइड्रोलिक प्रेस का यूज करना पड़ेगा या फिर हमें हथौड़े का यूज करना पड़ेगा, इस तरह से हमें हाई प्रेशर का यूज करके फिट बनाना पड़ेगा। तो होल बेसिस सिस्टम में क्या है, हमारा जो होल का बेसिक साइज है वो सेम रहता है और सॉफ्ट के साइज को हम वेरी करके डिफरेंट टाइप ऑफ फिट बनाते हैं, जिसके अंदर क्लियरेंस फिट हो सकता है, ट्रांजिशन फिट हो सकता है या फिर इंटरफेरेंस फिट हो सकता है। इसी तरह से सॉफ्ट बेसिस सिस्टम में क्या होगा, इसके अंदर जो इसको नाम दिया गया है सॉफ्ट बेसिस सिस्टम, तो सॉफ्ट का जो साइज है वो बेसिक साइज रहेगा, लेकिन होल के साइज को हम वेरी करेंगे फिट बनाने के लिए। तो यहाँ पे ये दिखाई गई है जीरो लाइन, इसकी जो अपर डेविएशन है वो जीरो है, जैसे इसके अंदर लोअर डेविएशन जीरो थी, इसकी अपर डेविएशन जीरो है और नीचे लोअर डेविएशन कुछ अमाउंट में होगी, जो भी रिक्वायरमेंट हमारी होगी फिट बनाने के लिए। और इसके अंदर जो रेड कलर में दिखाया गया है, ये होल का साइज है जो वेरी कर रहा है। तो यहाँ पे ये दिखाया गया है कि अगर हम होल के साइज, जैसे मान लीजिए होल है, ये शाफ्ट है और ये होल है, तो होल का जो साइज है, होल का साइज यहाँ पे जब ये बड़ा होगा तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, क्लियरेंस फिट मिलेगा, क्योंकि होल और शाफ्ट के बीच में यहाँ पे गैप है, तो यहाँ पे हमें क्लियरेंस फिट मिलेगा। और जैसे जैसे इसका जो हम साइज डिक्रीज करेंगे होल का, तो हमें मिलेगा ट्रांजिशन फिट, क्योंकि इसका जो टॉलरेंस जोन है इसके साथ जब लगेगा, इसके साथ जब इंटरफेयर करेगा, तो ट्रांजिशन फिट हमें मिलेगा। और जैसे ही होल छोटा हो जाएगा शाफ्ट से, तो हमें क्या मिलेगा, इंटरफेरेंस फिट मिलेगा। तो इंटरफेरेंस फिट हमें यहाँ पे मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे इंटरफेरेंस फिट हमें मिला था जब शाफ्ट का साइज बड़ा हो गया था, अब यहाँ पे हमें मिलेगा, यहाँ पे देखिए जब होल का साइज छोटा हो जाएगा और शाफ्ट का साइज बड़ा हो जाएगा, तो हमें इंटरफेरेंस फिट मिलेगा। तो इस तरह से जो होल बेसिस सिस्टम है और सॉफ्ट बेसिस सिस्टम के बीच में हम अंतर कर सकते हैं। और दूसरा अंतर क्या है, जो इसके सिंबल हैं, अगर इसके अंदर हम सिंबल को डिफाइन करें तो कैपिटल एच से हम इसका सिंबल डिफाइन करते हैं, और अगर इसका सिंबल डिफाइन करें तो हम स्मॉल एच से इसका सिंबल डिफाइन कर सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा होल बेसिस सिस्टम है या सॉफ्ट बेसिस सिस्टम है, इसके अंदर जो प्रेफर करते हैं हम करते हैं होल बेसिस सिस्टम को, क्योंकि जो सॉफ्ट का साइज है वो आसानी से हम टर्निंग के थ्रू आसानी से कम कर सकते हैं, लेकिन जो होल का साइज है वो स्टैंडर्ड साइज में ही हम बना सकते हैं, क्योंकि ज्यादा हम बड़ी ड्रिल बिट का यूज भी नहीं कर सकते और जो बोरिंग टूल है उनका भी यूज नहीं कर सकते, वो स्टैंडर्ड साइज में आते हैं। तो होल बेसिस सिस्टम ज्यादा प्रेफर किए जाते हैं ताकि हम सॉफ्ट के साइज को अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आसानी से वेरी कर सकें। तो इसलिए होल और सॉफ्ट बेसिस सिस्टम को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।
थैंक यू।